नमस्कार, मैं सुवीर सरन हूँ, मैं शेफ हूँ, न्यूयॉर्क सिटी से अमेरिका से इंडिया आया हूँ 27 साल बाद। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा यहाँ पे रेस्टोरेंट था द हाउस ऑफ सेलेस्ट। गुड इवनिंग, आई एम सुवीर सरन। Manu Chaudhary is watching. Oh, Manu, thank you for joining us. I'm Suvir Saran. I was a chef in New York City for 27 years, and I've just moved to New Delhi. I live here now, and I have opened a restaurant, The House of Celeste in Gurgaon. I'm here today to talk about one of my favorite ingredients that is most common yet unfortunately analogously common in India. मैं आज जिस इंग्रेडिएंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है डेयरी, उसका बना हुआ पनीर। पर जैसे हिंदुस्तान में हर डेयरी आजकल फेक मिली जाती है, वैसे ही मैं पनीर में भी देख रहा हूँ कि लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं। मैंने थोड़ा होमवर्क करा पनीर के बारे में कि एक जब हम लोग घर पे पनीर बनाते हैं, 1 लीटर पनीर बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर बनाने के लिए लगभग 1 लीटर दूध लगा जाता है। अगर आपको 1 किलो पनीर खरीदनी है तो आपको यूज करनी है तो आपको 4 लीटर दूध चाहिए होगा। 4 लीटर दूध का कॉस्ट 232 रुपए होता है। और जो मैंने देखा है दिल्ली के हलवाई लोग, जो आप छोटी छोटी जगह जहाँ पे पनीर मिलती है, वो लोग कई बार 180 170 का भी बेच रहे हैं। तो क्या डाल रहे हैं ये लोग दूध में पनीर बनाने के लिए, पनीर को बेचने के लिए, कि उनकी पनीर दूध से भी ज्यादा सस्ती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने मन में रखना है। So when you buy paneer in India, think about this, that a 1 liter of milk can only produce around 220 to 250 grams of paneer. Yet a kilo of paneer in the market costs almost 170, 180 rupees, cheaper than buying the 4 liters of milk. There's something wrong over here. दाल में कुछ काला या दूध में कुछ नकली सफेद है। तो ये आप लोग सोचिए। And इस क्वेश्चन के साथ हम अपना पनीर का सेशन बिगिन कर रहे हैं। पनीर की और खूबियां हैं कि जैसे सारा दूध होता है, मिल्क, दही, पनीर, चीज सब में कैल्शियम भरा हुआ है, प्रोटीन भरा हुआ है, पोटेशियम भरा हुआ है, विटामिन डी एन ए, ये सब बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो इनको आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे, प्राइड से खाइए, बट मेक श्योर इट्स प्योर, मेक श्योर इट्स रियल, इट्स नॉट फेक। फेक न्यूज के साथ साथ फेक डेयरी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है। तो चलिए अब हम मेरे रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ वरदान मारवा को मिलिए। ये जब फैशन परेड नहीं कर रहे होते तो ये फिर खाना बना रहे होते। बेकर भी हैं, इनकी अपनी बिजनेस है द ग्लेस फैक्ट्री, वेयर ही मेक्स इनक्रेडिबल केक्स एंड ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। दूध के धुले हैं, पनीर से भरे हुए हैं। तो वरदान, आप हमें पनीर दिखाइए दोनों किस्म की। तो या आज हम यूज कर रहे हैं अमूल पनीर। सो वी गॉट 2 types of these. One is the frozen one, which is already cut into cubes and diced into cubes, and the other one is the fresh paneer. So अभी आज हम 2 चीजें बनाने वाले हैं पनीर से। I thought and let me talk about these. Yeah. तो जो यहाँ पे 2 पनीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये frozen पनीर कटी कटाई बहुत बढ़िया चीज है। जब आपको मटर पनीर बनानी हो, कोई भी ग्रेवी में आपको डालना है, इससे खोलिए और डालिए और इसको आप उबालेंगे 5-10 मिनट के लिए, बिल्कुल नरम हो जाएगी। ये पनीर जब आपको काट के चीजों में डालनी है उसके लिए अच्छी है। पर पनीर, हर पनीर एक जैसी नहीं होती है। कई पनीर होती है मार्केट में जो बहुत नरम होती है, आपको लगता है कि बेहतर है। मैंने शुरू उस बात से करा है कि हर पनीर में पनीर नहीं है, तो चिंता नहीं करनी। देखिए कितनी नरम है, इसको आप पानी में उबालिए, नरम और भी हो जाएगी। पर इनके यूजेस अलग है। मैं इनको ग्रेवीज में ज्यादा यूज करता हूँ। इनको मैं टोफू जहाँ पे डालेगा एशियन डिशेज में, आपको पनीर खाना है खाइए, आपको स्टर फ्राई करना है एशियन स्टाइल में, इसको डालिए। आपको हम लोग 2 रेसिपीज दिखा रहे हैं वरदान में। ये वरदान शेफ आज आलू के साथ और एक पनीर स्टिक बना रहे हैं। वरदान, आपने ये वाली पनीर यूज करी? ये रेगुलर पनीर जो आती है फ्रीजर के लिए, वो यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर के लिए। रेफ्रिजरेटर, या तो पहले हम क्रॉकेट्स बना रहे थे जिसमें आई एम यूजिंग अमूल का ये वाला पनीर एंड उसके लिए हम बॉइल्ड पोटैटोज लेंगे और फ्रेश हर्ब्स हम ले रहे हैं यहाँ पे। सो वी हैव गॉट ऑरिगेनो, वी हैव गॉट रोजमेरी, वी हैव गॉट सम बेसिल चॉप्ड अप हियर। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ से शुरू करेंगे। सो जो ये पनीर का जो क्रोकेट बना रहे हैं, हमने ये गार्डन के हर्ब्स हैं हमारे घर जो उग रहे थे तो उनको यूज करा। रोजमेरी, थाइम एंड ऑरिगेनो, उनको ये यहाँ पे पनीर के साथ मिक्स करेंगे। आलू हमने यूज करे हुए हैं। ये आप अपने घर पे पनीर के साथ बनाएं, बहुत इजीली बन जाएगा। शेफ मिक्स करना शुरू कीजिए। So yeah, मैं पहले बॉइल्ड पोटैटोज ले रहा हूँ। I'm taking 2 potatoes and इसके साथ मैं पनीर डाल रहा हूँ एंड मैं इसको सब कुछ मैश कर दूंगा। तो अगर आपको बॉइल्ड पनीर डालना है आप डाल सकते हो, उसको पहले कुक करके, बट हम इसको फ्राई करेंगे तो मैं इसलिए इसको पहले कुक नहीं कर रहा, बट मैं इसको इतना मैश करूँगा कि सब कुछ बाइंड हो जाए साथ में। तो दिस पनीर एंड दिस आलू, दैट्स अबाउट इट। तो मैं एकदम ज़्यादा मैश नहीं, अगर आप देखोगे टेक्सचर तो दैट्स हाउ द टेक्सचर शुड बी। इसमें मैं हमने थोड़े से अनियंस एंड बेल पेपर्स सॉटे करे हैं। ये जो हर्ब्स है यहाँ पे, इन्हीं हर्ब्स को हमने इस बर्तन में पहले तेल में तला है 3 से 4 मिनट। उसमें प्याज डाली, प्याज को 3 या 4 मिनट और कुक करा कि वो नरम हो जाए। बस ये आपको ब्राउन नहीं करना। और उसमें हमने येलो शिमला मिर्ची डाली है। अब शेफ इसको बर्तन के अंदर डालेंगे। तो इसमें सब कुछ अब मिक्स कर लिया। अब इसको सीजन करने के लिए बस आई एम यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ कश्मीरी चिली एंड ये दरदरी कटी, दिस इज कोसली ग्राउंड रेड चिलीज विद द अदर हैंड सॉरी। तो वी आर पुटिंग कोसली ग्राउंड रेड चिलीज एंड आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड सम फ्रेशली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर। तो उसको ज़्यादा मसाले नहीं है। अगर आपको थोड़ा इंडियन वर्जन चाहिए इसका तो आप इसमें गरम मसाला या भुना जीरा या मीट मसाला थोड़ा सा मिला सकते हैं, बट हम इसमें सिर्फ हर्ब्स एंड थोड़ी सी स्पाइसेस। और ये दिखाऊँ, ग्राइंडिंग सम ब्लैक पेपर, ताज़ा आपने ग्राइंड करा, निकाला, इसके अंदर डाला। तो ये हमारी फर्स्ट फिलिंग रेडी है। इसको हम क्रॉकेट्स बनाएंगे, इसकी बॉल्स बनाएंगे हाथ से, और इसके अंदर हम अमूल चीज़, जो प्रोसेस्ड चीज़ आता है अमूल का, उसको हम चॉप करके। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव यूज्ड प्रोसेस्ड अमूल चीज, इट्स लाइक अ मोज़रेला, एंड वी आर गोइंग टू मेक दीज बॉल्स विद दिस एनरोबिंग द चीज। या सो आई विल जस्ट शो यू हाउ वी डू इट। आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ द potato and paneer mix and I'm just gonna take a cube, place it in the center and just make a croquette. Yeah, हाँ जी, मैंने अपनी जो फिलिंग है इसको लिया हाथ में, इसकी एक बॉल बनाई और इसके अंदर बीच में अमूल का प्रोसेस्ड चीज़ बना दिया। और ये एक बहुत ऐसी डिश है कि अगर आप बल्क में बना के फ्रीज़र में फ्रोज़न रख सकते हैं तो ये अराउंड 2 हफ्ते चलेगी। तो जब ये रेडी होगी हम ऐसे 1-2 और बॉल्स बना देते हैं। इनको बनाने दो, हम बात करते हैं। हाँ। So while chef Vardaan is making the croquettes, what he's done is आलू लिया है हमने। आलू में हमने इन्होंने रोजमेरी, ओरेगनो, थाइम, अगर आपको इटालियन बनाना है, उनको हमने तेल में भूना। उसके साथ फिर हमने प्याज डाली और उसमें पीली शिमला मिर्ची, आपका लाल हो हरी हो वो डाल दीजिए। उसको आपने आलू और पनीर को साथ साथ मिक्स करा और उनमें आपने थोड़ी प्रोसेस मोज़रेला चीज के क्यूब काटा पनीर के छोटे टुकड़ों की तरह। उसके ऊपर आपने आलू और पनीर का मिक्स, उसको एक बॉल बना दी बोंडे की तरह, उसको हम तलेंगे। वो एक रेसिपी बना रहे हैं। एंड अब फिर हम दूसरी पनीर की स्टिक्स बनाएंगे। आमिर जी, कोई क्वेश्चन आया जो हमें पता आंसर देना चाहिए? नहीं। सो यू ऑल आर वेरी गुड दैट यू डोंट हैव क्वेश्चंस। रिमेंबर, पनीर इज नॉट, ऑल पनीर इज इक्वल। हर पनीर एक किस्म की नहीं है और हर पनीर पनीर नहीं है। हिंदुस्तान में दूध के नाम पे बहुत सारा नॉन दूध बिक रहा है, फेक दूध, फेक न्यूज और फेक दूध आजकल बहुत ज्यादा जगह बिक रहे हैं। Where can we get paper crusher? Where can you get a paper crusher like I have? You have to marry me, or you can. This is made by Peugeot, the car company that makes the Peugeot car. They make this paper. But you can buy a pepper grinder like this. ऐसा ले लीजिए, no problem. Whatever you have, I have it. जल्दी हो जाता है and I use a lot of it. But however, इमाम दस्ता मेरे पास पड़ा हुआ है। जिस तरह से काटना है आपको, grind करना है वैसे grind करिए. No need to be fancy. So Vardaan is now cutting the sticks. So yeah, I've already prepared 3 croquettes. We're gonna fry it later, but I'm jumping on to the next one. सो मैं यहाँ पे पनीर को स्टिक्स में काट रहा हूँ इंस्टेड ऑफ क्यूब्स। मैंने यहाँ पे पनीर की स्टिक्स काट ली हैं ऐसे लंबी लंबी, एंड इसको हम सिर्फ हर्ब्स और पैंको के अंदर डस्ट करेंगे। पैंको मोटा सा जापानीज ब्रेड क्रम होता है। हाँ जी, तो पैंको इज, अगर आपके पास पैंको ब्रेड क्रम नहीं है जापानीज वाले तो आप नॉर्मल ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ी चीज भी डाल, एंड इसमें हम आई हैव टेकन सम पैंको क्रम्स हियर। इसमें मैं थोड़ा सा चीज ग्रेट करके डालूंगा। ये चीज ग्रेट करे जा रहे हैं, थोड़ा पतला वाला कर दीजिए वरदान शेफ जी, क्योंकि फिर वो ब्रेड क्रम के साइज का होएगा और ये बेहतरीन है। और इसमें फिर से हम ग्राइंड करेंगे पेपर। आमिर जी दिखाइए पेपर का मजा। तो इसमें थोड़ा पेपर गया। तो हम बहुत ज्यादा मसाले नहीं यूज कर रहे, वी जस्ट using very basic and बहुत easily available black pepper, salt, red chili, that's about it. Which cheese are you using? We are using Amul's processed cheese, grating, we are using that, and ये पनीर को हम इसमें डालेंगे। अब नमक डाल रहे हैं ये। हाँ, अब मैंने थोड़ा सा नमक सीजन के लिए, and बहुत सारा fresh धनिया मैंने चॉप करा हुआ है। एंड इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी मैंने चॉप करी हैं। हरी मिर्ची एंड धनिया दोनों जा रहे हैं इसके अंदर बस। और मैं अब इसको एकदम मिक्स कर दूंगा अच्छे से। वरदान शेफ डरते हैं हाथ यूज करने के लिए, पर आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं। इसमें ग्रीन चिली डाली है तो ओके, वंस दिस इज ऑल डन अब हम एक स्लरी बना लेंगे। तो स्लरी क्या होती है? मैदा या कॉर्नफ्लावर कुछ भी लीजिए आप, उसको थोड़ा सा, अगर आपको सीजन करना है तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर, थोड़ी सी मिर्ची मैं अभी डालूंगा दोबारा से, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, नमक, और थोड़ी लाल मिर्ची भी डाल, और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो स्लरी इज नथिंग बट मैदा और ये सारे मसाले, और इसमें थोड़ा सा आरओ का पानी हम डालेंगे ताकि हम इसकी पेस्ट बना सके। धीरे धीरे करके मैं डाल रहा हूँ ताकि लम्प्स ना हो, एंड हम इसको बस मिक्स करेंगे जब तक एक डिजायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती है। हमें बहुत थिक नहीं चाहिए, तो अब ये थिक है तो थोड़ा और पानी डालेगा। वरदान शेफ सोच रहे थे रेस्टोरेंट के लिए 50 लोगों के लिए बना रहे हैं। हाँ, ये स्लरी बहुत ज्यादा है। एक चम्मच 2 चम्मच बहुत होता है बनाने के लिए, पर ये मैंने जानबूझ के जाने दिया क्योंकि मैं चाहता था कि ये बात हम आपके साथ करें। 2 चम्मच मैदा बहुत दूर जाता है। हाँ, लिटिल मोर वाटर, पानी और चाहिए कि ये चिपक जाए पनीर के साथ और गीला भी रहे। आई गेस दिस इज this is good right? So जब ये हो गया, दिखाइए शेफ। अब मेरे पास एक बोल में पैंको क्रम्स है दोनों के लिए, एक तो हमारा स्टिक्स के लिए एंड ये हमारा क्रॉकेट्स के लिए। तो पहले मैं क्रॉकेट्स कर रहा हूँ, तो I'll just take the croquette that I've made and इसको मैं स्लरी के अंदर इनरोब कर रहा हूँ। एंड अब इसको मैं पैंको में डाल दूंगा और आई मेक श्योर कि एकदम कोट हो जाए सब कुछ। उसको रखने के लिए कोई बर्तन चाहिए? तो अब मेक श्योर कि इक्वली हर जगह से कोट हो जाए तो एकदम क्रंची आएगा ये फ्राई होके। डू अनदर वन प्लीज। तो हम आपके लिए 2 बना रहे हैं दिखाने के लिए। स्लरी कैसे बनाया? स्लरी बनती है मैदे और पानी के साथ, उसमें हमने नमक, काली मिर्ची, लाल मिर्ची डाली है। थिक रहनी है उसको, जैसे आप बेसन बनाते हैं पकौड़े के, उस थिकनेस की होनी चाहिए कि बस चिपक जाए, गीली भी रहे। और फिर जब आप इसको ब्रेड क्रम्ब पे डालेंगे वो उसके साथ चिपक जाए। मैं पानी यहाँ पे गरम कर रहा हूँ और साथ साथ तेल गरम कर रहा हूँ और फिर हम तलेंगे। वरदान साहब ये दिखाइए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाए वरदान साहब। सो अब जब हमने क्रॉकेट्स कर लिए तो अब मैं सेम प्रोसेस स्टिक्स के साथ भी करूँगा अपने पनीर की। तो मैं थोड़ी सी स्लरी लगाऊंगा इस पर, इसको स्लरी में डिप करूँगा ताकि ये इवनली इस पर लग जाए। एंड इसको मैं अपने धनिया वाले पैंको क्रम में फोल्ड कर दूंगा। वाले एक ऐसे निकाल दो, एक ये निकाल दिया, एक और हम करेंगे। तो इसमें जब आप धनिया काटते हैं बहुत महीन काटना चाहिए तो और भी बेहतरीन होगा। हाँ, तो ये दोनों बने हुए हैं यहाँ पे, इनको हमने तैयार रखा है। अब हमारे हम डीप फ्राई होंगे यहाँ पे। तो ये डीप फ्राई होंगे। व्हाट्स द क्वेश्चन आर यू? लुकिंग यमी. Looking yummy? Oh, Vardaan and I do look yummy together. Yeah. तो पनीर, रिमेम्बर, हमेशा याद रखिए पनीर तंदुरुस्ती के लिए, हमारी हेल्थ के लिए एक अच्छी इंग्रेडिएंट है। स्पेशली जब हम लोग शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, व्हेन वी आर वेजिटेरियन इट्स अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग प्रोटीन। अगर डीप फ्राई ना करना हो तो क्या करें? अगर डीप फ्राई ना करना हो तो उपवास रखिए और उपवास के खाने खाइए। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। आप इनको बेक कर सकते हैं और थोड़ा सा स्प्रे मार दीजिए तेल का एंड वो ठीक रहेगा। मतलब जो आदमी तेल नहीं खाना चाहता है उसके लिए ठीक है, पर तेल में कोई बुरी बात नहीं है। अब हम सीख रहे हैं कि तेल बॉडी के लिए एसेंशियल है, कौन सा तेल वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वजीत कौर के मुंह में पानी आ रहा है। सर्वजीत कौर आप, थैंक यू फॉर एंजॉयिंग दिस प्रेजेंटेशन। आमुल को थैंक यू करिए क्योंकि हम लोग उनके फैंस हैं। हमें शेफ्स की तरह बहुत कम जॉय मिलती है अदर देन प्योर इंग्रेडिएंट्स। आमूल हमें खुशी देती है कि वो हमें असली दूध, असली पनीर, असली चीज, असली इंग्रेडिएंट्स देती है। तो मैं अपने दिल से ये प्रेजेंटेशन करता हूँ क्योंकि मैं आमूल को एक ब्रांड की तरह ट्रस्ट करता हूँ। तो सीखिए आप लोग कि जब आप जाए मार्केट में कुछ खरीदने, क्यों चीज सस्ती है? वो नरम हो, वो डिलिशियस हो, नॉट ऑलवेज रियलिटी। रियलिटी में वो सब फेक है। तो अगर फेक है वो आपके अंदर जो तहस नहस कर रही है वो बहुत डेंजरस है। तो थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग चीप इंग्रेडिएंट्स। आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं? मैं ये अभी तो वेजिटेबल ऑयल, पीनट ऑयल में आज कुक कर रहा हूँ। पीनट ऑयल डीप फ्राइंग के लिए बहुत बढ़िया होता है और आपको और भी फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा पसीना भी डाल दीजिए तेल में, थोड़ा चटपट आएगा पर चाट वाले की तरह खूब नया फ्लेवर आएगा। देखिए रंग, व्हेन यू आर डीप फ्राइंग, दो डीप फ्राइंग में डरने की बात नहीं है। आप अच्छे तेल में डीप फ्राई करिए, ठीक टेम्परेचर पे डीप फ्राई करिए, कोई चिंता नहीं होती। शैलो फ्राइंग में और भी तेल चूसा जाता है, तो बी वेरी स्मार्ट अबाउट डीप फ्राइंग। पैनको क्रम घर पे कैसे बनाएं? पैनको क्रम अगर आप जापान में रहते हैं तो घर पे बना पाएंगे, हिंदुस्तान पे थोड़ा मुश्किल है, मार्केट पे मिलते हैं। नहीं तो आप जैसे क्रम घर पे है वैसे यूज कर लीजिए। ये मार्केट में मिलता है, जापानीज ब्रेड क्रम होता है, मोटा मोटा होता है, इसकी ये खूबी है। इस कैनोला ऑयल गुड? कैनोला इज वेरी गुड ऑयल टू फ्राई। कैनोला ऑयल बहुत बढ़िया तेल है फ्राई करने के लिए। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है आपको 11 on 10 मिलेंगे क्योंकि अमेरिका में A+ मिल जाता है कि 10 की जगह लोगों को 11 भी मिल जाते हैं 10 के। हाँ, वो प्रेजेंटेशन रख दो। तो देखिए इसकी जो हम खूबी दिखाना चाह रहे थे ये तेल में कितना कम बहते हैं, अच्छे तेल में ठीक टेम्परेचर पे बहुत कम तेल चूसा जाता है। ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्या वाह, ये मजा आ गया ना देख के कि आपने पनीर स्टिक बनाई है, फॉरगेट मोज़रेला स्टिक। वो इटालियन रेस्टोरेंट में जहाँ पे फेक इटालियन मिलता है वहीं पे फेक पनीर यूज करते हैं, घर पे ये बनाइए, इनका मजा देखिए अलग ही है। तो इसको आप ड्रेन होने दीजिए, यहाँ पे हम इनको रखते हैं। यमी। अब वरदान शेफ को, वरदान अगर ऐसा खाना बनाओगे कोई ना कोई तुम्हारे से शादी कर ही लेगा, आई होप। तो हमने दो सॉसेस यहाँ पे, दो सॉसेस बनाई हैं हमने। तो दिस वन इज अ चंकी टोमेटो डिप एंड ये हमने यहाँ पे गुआकामोली लिया। तो थोड़ा कलर भी है डिश में एंड आई विल शो यू वन अंदर से कैसा टेक्सचर आता है। तो इफ़ यू सी इट्स सो क्रंची ऑन द आउटसाइड and inside you have gooey all hot croquette and we're just gonna dip it in this one and chef you want to try one? बहुत गर्म है वरदान। Yeah, careful. तरारा। वाह वाह, ये तो मजेदार बात है। This is paneer deliciousness. प्रोटीन, सब्जी, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आपको विटामिन डी, विटामिन ए सब मिल रहा है एक बाइट में। इस पोषण माह के लिए 2020 जब पोषण अभियान जो मिनिस्ट्री हमें कह रही है कि अच्छी तरह खाइए, परफेक्ट रेसिपी। लड्डी धिंगरा जी पूछ रही हैं विच चीज यू यूज्ड फॉर रोल्स। सो हमने अमूल का प्रोसेस चीज ही यूज किया है, अमूल का श्रेडेड चेडर एंड मोज़रेला भी आता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एंड हमने जो पनीर स्टिक्स है नेक्स्ट हम वो ट्राई करेंगे। सबिता गुप्ता पूछ रही है ब्रेड क्रम्ब को ड्राई रोस्ट करके यूज करना है या नॉर्मल? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास पैंको क्रम्ब नहीं है तो घर पे जो रेगुलर ब्रेड आती है उसको ओवन ड्राई करके भी आप उसके ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। वैशाली जी पूछ रही है क्या रिपीट कर सकते हैं पनीर स्टिक? पनीर स्टिक में वैशाली जी लंबा लंबा काटा, उसके बाद हमने पैन को ब्रेड क्रम्ब लिए। आप घर पे ब्रेड को ड्राई करके उससे भी बना सकते हैं, उसको रो टोस्ट करके क्रश करके बना दिया। उसमें हमने पहले तो पनीर को आपने स्लरी में डाला। स्लरी होता है मैदा और पानी जिसमें नमक, काली मिर्ची, लाल मिर्ची डाली हुई है। उसको आपने बेसन के पकौड़ों का जो बैटर बनता है उसकी थिक कंसिस्टेंसी का बनाया। स्टिक को आपने उसके अंदर डाला, फिर आपने स्टिक को पैन को और जिसमें धनिया और हरी मिर्ची भरी हुई उसके साथ और चीज के साथ मिक्स करके उस पे लगा लिपटा बना दिया। उसको आपने तला, उससे बनता है ये पनीर स्टिक। आमिर जी हमारे जो आर्ट डायरेक्टर हैं वो पूरी 2 स्टिक्स उन्होंने खा ली है। कैसा लगा आमिर जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो दीज आर द 2 रेसिपीज। एनी अदर क्वेश्चंस आमिर? नॉट येट। सो अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग्स हियर इज पनीर इज अ वेरी वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट। पनीर की ब्यूटी है कि वो एक वो फ्लेवर चूस लेता है, अपना पर्सनालिटी उसकी बहुत सपोर्टिव है। पनीर का रोल है कि आपको कुछ नायाब चीज बनानी, पनीर बोलेगा मैं आपके साथ चलता हूं, वो लड़ाई नहीं करता इंग्रेडिएंट के साथ। पनीर डजंट फाइट विद अदर इंग्रेडिएंट्स। पनीर इज हैप्पी टू बी अ गुड पार्टनर। जब पनीर इज लाइक अ गुड परफेक्ट मैरिज। आप बोलते हो चलो, वो बोलता है हाँ चलिए, दौड़ो दौड़िए। पनीर हर चीज पे हाँ कहता है, हर चीज पे आपको शाइन कराता है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ पनीर, बाय रियल पनीर। Amul as a dairy, I respect, I adore, I admire, and I hold at very high esteem. Amul के standards बहुत high हैं, इसलिए मैं उनको respect करता हूँ। हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा fake दूध, fake पनीर, fake घी, fake चीज मिलती है। कोमल जी पूछ रही हैं, can we grill the paneer stick? Yes, yeah. You can grill तो नहीं, but you can cook in the oven. ग्रिल में भी गोइंग टू फार, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसमें मजा नहीं आएगा, वो ऊपर क्रंच नहीं आएगा। तो बेक कर दीजिए, बेक एंड इफ यू कैन इट विल टेक अ लिटिल टाइम, लो टेम्परेचर, डोंट डू इट टू हाई। यू वांट द क्रम्स टू, मैं क्रम्स को पहले बटर में फ्राई कर दीजिए, उससे थोड़ा फैट आ जाएगा क्रम में। मे बी एयर फ्राई कर लीजिए। हाँ, एयर फ्राई वुड बी गुड, एयर फ्राई वुड बी वेरी गुड। थैंक यू सो मच। वैशाली जी बोल रही है, वैशाली जी हमारी बत्ती गई, पर देखिए अमूल तो प्रोडक्ट बेचते रहते हैं, बत्ती हो या ना हो, बट आप सबको हम थैंक यू करते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस। दिस इज शेफ वरदान मारवा, आई एम सुवीर सरन, वी हैव अ रेस्टोरेंट द हाउस ऑफ सिलेस्ट इन गुड़गांव। which we had to close during lockdown. But हम लोग हर रोज कुक करते हैं with true ingredients, with real ingredients. अनुपमा जी पूछ रही है, please tell us how to make the dips. Oh, so the dips, very good question. The tomato dip, this one is made with roasted tomatoes. तो in a roasting pan, एक pan में आप टमाटरों को आधा काटिए, उसमें 2-3-10 टमाटर के लिए 2 प्याज ले लीजिए, 1-2 शिमला मिर्ची ले लीजिए, उनमें आपने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कोई भी तेल मिला उसको लगा लिपटा कर दिया, उसमें काली मिर्ची साबित 1 लाल मिर्ची एंड थोड़ा सा गार्लिक डाल के आपने ओवन में 45 मिनट रख दिया, फिर उसको ब्लेंड कर दिया मिक्सी में, ये चटनी आपकी बन जाएगी. एंड ये हमने गुआकामोली बनाई है, ये आवोकाडो के साथ बनाई है, जो मेरी एक दोस्त है केरला की, वो कहती है आवाकद्दू, पर आवोकाडो से हमने बनाई है. इसमें आवोकाडो है, टमाटर है, प्याज है और नींबू का रस, हरी मिर्ची, नमक और भुना जीरा का पाउडर, और ये इससे नायाब कोई आपको डिप नहीं मिलेगा. तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, मेरे नाम से गूगल करेंगे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, सुवीर सरन गुआकामोली गूगल करिए, आपको रेसिपी मिल जाएगी. So go out, buy पनीर, enjoy पनीर, look for the brand Amul, Amul का नाम लेबल देखिए, और उस पनीर में आपको पता है कुछ नकली नहीं है. आप थोड़ा सा 10-20 रुपए ज्यादा देंगे अपने नेबरहुड की पनीर वाले से, पर वो कैसे पनीर बना रहे हैं मेरे को पता है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो दूध ज्यादा का खरीदते, पनीर सस्ता बेचते हैं. ये मैथ्स, ये गणित किसी के लिए काम करनी चाहिए, कुछ गलत है, इस दूध में कुछ गलत सफेद है, दाल में कुछ काला कहते हैं ना, वैसे यहाँ पे कुछ गलती है. तो प्लीज सोच के खरीदिए, आमूल की बिना डर से खरीदिए, बाय आमूल चीज, यू नो यू आर गारंटीड अ प्योर ट्रू प्रोडक्ट. Vardaan, any information on paneer? When did you first eat paneer? As a kid, paneer तो हम Indians की diet में I guess बचपन से आ रहे हैं, and Amul is doing a very good job on the paneer because हम यही बात कर रहे थे कि अगर पनीर पैक्ड होता है तो usually वो इतना soft रहता है कुछ लोगों का because of the urea content, right? And it's different. हाँ, fake चीजें डालते हैं. But when you take Amul paneer, Vardaan, I don't know if you know this fact. अगर Amul की आप 1 किलो पनीर लेंगे, उसको आप पानी में डाल देंगे, वो 1200 ग्राम बन जाएगी, क्योंकि आमूल पानी नहीं डालता है पनीर में. Exactly. और लोग पानी और फेक इंग्रेडिएंट्स पनीर के अंदर भरते कि वो नरम हो जाए, पर वो आपकी बॉडी के लिए क्या करते हैं हमें पता नहीं. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, आप उबाल के सॉफ्ट कर दीजिए. दिस इज द रीजन आमूल गिव्स यू अ शेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट, जो आपके घर पे आ जाएगा मार्केट से, आपको डरना नहीं कि उसमें कुछ गलत है, फिर उसको आप उबाल के नरम कर दीजिए. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आमूल प्रोडक्ट्स, दे आर प्योर, दे आर डिलिशियस एंड दे हैव बीन हियर फॉरएवर. What was your favorite paneer dish that your mummy and Nadi made for you? Probably paneer makhni is my good Punjabi paneer makhni. And मेरी साग पनीर है, मेरे को तो पालक पनीर, साग पनीर बहुत मजेदार लगती है. पनीर चामन, जिसको चामन कहते हैं वो लोग कश्मीर में, पर साग के साथ बहुत मजेदार होती है. जैसे भी आप पनीर खाएं, शौक से खाइए, आपकी बॉडी के लिए अच्छी है. एंड अगर रियल पनीर है आमूल जैसी, तो बिल्कुल निडर होके खाइए, ईट विदाउट फियर if you're eating real paneer. Thank you for joining us today. Thank you. Suvir Saran and Vardaan Marwah. Have a good evening.